टी20 वर्ल्ड कप 2007 के सक्सेस के बाद पूरे विश्व भर में टी20 क्रिकेट का क्रेज आ चुका था। साल 2008 में BCCI ने IPL जैसे टी20 फॉर्मेट वाले गेम को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस कर दिया। IPL का पहला सीजन साल 2008 में खेला गया, जहां टोटल 8 टीमों ने हिस्सा लिया और पूरा सीजन ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। पहले सीजन के बाद IPL के दूसरे और तीसरे सीजन में भी 8 टीमों ने ही हिस्सा लिया। IPL का क्रेज इतना था कि अब BCCI हर साल IPL जैसी बड़ी लीग करवाने का फैसला ले चुकी थी। चौथे सीजन से पहले ही BCCI ने दो नवी टीमों को IPL में शामिल किया था। पहली टीम थी कोची तस्कर केरला और दूसरी टीम थी पुणे वॉरियर्स इंडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कोची तस्कर केरला के राइस और फॉल की पूरी जानकारी देंगे। कोची तस्कर्स केरला को BCCI ने IPL के चौथे सीजन में इंट्रोड्यूस किया था। IPL 4 साल 2011 में खेला गया, जहां पहली बार 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। IPL के चौथे सीजन से पहले ऑक्शन हुए थे, जहां रॉन्डेवर्स स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने $333.2 मिलियन, जो कि 1533 करोड़ में कोची तस्कर्स केरला को खरीदा था। कोची तस्कर्स केरला के ओनर्स ने सबसे पहले टीम का नाम इंडी कमांडोस रखा था, पर फैंस के नेगेटिव रिस्पांस के बाद ओनर ने इस टीम का नाम कोची तस्कर रखा और फिर बाद में पूरा नाम कोची तस्कर्स केरला पड़ा। अगर कोची तस्कर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो IPL के चौथे सीजन में कोची ने लीग स्टेज में टोटल 14 मैचेस खेले थे, जिसमें से 6 में जीत और 8 में हार का सामना करना पड़ा था और टीम्स प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अगर स्पॉन्सर की बात करें तो फेडरल बैंक कोची तस्कर केरला का मेन स्पॉन्सर था, वहीं लोटो और वी गार्ड एसोसिएट स्पॉन्सर थे। ब्रेड हॉग, ब्रैंडम मैकलम, केदार जाधव, महिला जयवर्धने, मुथैया मुरलीधरन, रविंद्र जडेजा, VVS लक्ष्मण और श्रीशांत जैसे बड़े प्लेयर्स IPL के सीजन 4 में कोची तस्कर्स की टीम में शामिल थे। कोची तस्कर जैसी नवी फ्रेंचाइजी को पहले ही सीजन में फैंस से बड़ा प्यार मिला था, पर ऐसा क्या हुआ कि पहले ही सीजन के बाद टीम को टर्मिनेट करना पड़ा? अगर कोची तस्कर के डाउनफॉल की बात करें तो IPL सीजन 4 के बाद टीम के ओनर्स में पैसों को लेकर काफ़ी अनबन होने लगी। 19 सितंबर 2011 को BCCI के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन ने ऑफिशियली जाहिर कर दिया कि कोची तस्कर केरला को बैंक ड्यू न भरने के कारण टर्मिनेट किया जाता है और साल 2012 के पाँचवें सीजन में मात्र 9 टीमें ही हिस्सा लेंगी। पाँचवें सीजन से पहले साल 2012 में मिनी ऑक्शंस हुए और कोची तस्कर के सभी प्लेयर्स को दूसरी टीमों ने बेस प्राइस पर खरीद लिया। फरवरी 2012 में रॉन्डेवर्स स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने BCCI के ऊपर केस कर दिया और जुलाई 2015 में BCCI केस हार गई और कोची तस्कर्स के सभी ओनर्स को BCCI ने 550 करोड़ का हर्जाना भरा। साल 2015 के बाद कोची तस्कर्स के ओनर ने BCCI से गुहार लगाई थी कि कोची तस्कर को IPL में फिर से शामिल किया जाए, पर BCCI ने इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया और कोची तस्कर जैसी टीम IPL में कभी वापस ही नहीं आ पाई। तो दोस्तों, ये थी कोची तस्कर के राइस और फॉल की पूरी जानकारी। मेरा नाम है देव, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट करके अपनी फेवरेट IPL टीम और फेवरेट IPL प्लेयर भी बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।